इनके बारे में, आपके बारे में, कि क्यों जलता है इनकी तरक्की को देखकर, क्यों जलता है इनकी तरक्की को देखकर, खुदा भी देगा तेरी नियत और तेरे डिसीजन को देखकर। अगर आज आप डिसीजन लेते हो तो जिंदगी में कुछ भी बदलाव हो सकता है, लेकिन ये सारे लोग ने बोला कि आप बिजनेस करो, आप आओ, आपके साथ ये होगा। मैं उसके अपोजिट में बात करता हूं, मैं ये बात करता हूं कि आप बिजनेस मत करो। क्यों? नाम मेरा दिग्विजय है। आज के 4 साल पहले मैंने डिसीजन लिया था, उसके पहले ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता था, हमाली किया करता था, 10 हमाल थे, 2.5 लाख रुपए का पगार और EMI जाता था। मैं एक चीज आपको इसलिए बोल रहा हूं कि मत करो ये बिजनेस। गलती से बिजनेस कर लिए, पहली बात तो करोगे नहीं, लेकिन अगर गलती से कर लिए, दूसरे दिन से आपका अचीवमेंट चालू हो जाएगा, लोग तालियां बजाने लगेंगे, वो सुनने के लिए आपको बुरा लगेगा, बराबर। अच्छा, वो सुन भी लिए, कभी गलती से आपने फॉरेन टूर अचीव कर लिया तो कौन जाएगा वो एयरपोर्ट पे, कौन फ्लाइट के अंदर बैठेगा, वो फ्लाइट में एयर होस्टेस आपको हाय हेलो नमस्ते सर बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा ना। अच्छा चलो, वो भी कर लिया आपने, फ्लाइट भी जाके आ गए, और आपका अचीवमेंट देख के आपका खास रिश्तेदार, आपका दोस्त, आपका दूर का रिश्तेदार, आपके आस पड़ोस वाले बोलेंगे मुझे भी करने के लिए बिजनेस दे, तो उनका मदद करना पड़ेगा, कौन जाएगा मदद करने, बराबर। उनके जिंदगी में परिवर्तन हो गया और आपका और उनका परिवर्तन देख के आपके पास पैसा खूब सारा आएगा तो अकाउंट में टैक्स भरना पड़ेगा ना, कौन भरेगा वो टैक्स, काहे के लिए अपना 20,000 रुपए में ठीक है सर, 1,00,000 रुपए आएगा, टैक्स भरना पड़ेगा। टैक्स बेकार चीज होती है ना, काहे के लिए टैक्स बचाना चाहिए, एक्स्ट्रा काहे के लिए देने का। अच्छा चलो, टैक्स भी आ गया, टैक्स भी भरने के लिए रेडी हो गए, लेकिन आप वो टैक्स भरते भरते पैसा ज्यादा आने लगा, अकाउंट में GST भरना पड़ेगा, 20,00,000 रुपया साल का आ गया है, और GST भरने के बाद पैसा बचना चालू हो जाएगा तो घर वर के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा किधर जाने का, किधर जाने का। अपन तो अभी चाल में रहते हैं, कोई मेंटेनेंस नहीं लगता, 1 रूम किचन में लगते हैं, मेंटेनेंस कम लगता है, वो कौन 2 BHK के घर में जाएगा, 2 BHK का बड़ा घर, पोछा ज्यादा मारना पड़ेगा, काम वाली भाई रखना पड़ेगा, उसको भी पगार देना पड़ेगा, और 2 BHK का घर आ गया तो एक गाड़ी भी आएगी, कौन जाएगा सर वो गाड़ी चलाने के लिए। अपन वो पैदल जाते हैं, बस में जाते हैं, रिक्शे में जाते हैं, वो सही है, कौन जाएगा कार भी, पार्किंग का पैसा, यस और नो, ये सब कौन झंझट पालने जाएगा यार, मत करो बिजनेस। अच्छा बाई चांस 2 BHK आ गया, चलो थोड़ा सा प्रेशर लेके आपके बच्चे लोग बोल रहे हैं 2 BHK ले लेने का, तब तक आपका क्या हो जाएगा, NTC हो जाएगा, आप ITC हो जाओगे, और फिर आपके टीम के अंदर दुनिया भर के कार, घर, गाड़ियां सब आएगा, और आपको लोग कंधे पे ऊपर करेंगे, तो सर कंधे पे बैठ जाऊंगा ना तो मेरा कमर दुखेगा सर, काहे के लिए कंधे पे बैठने का, मैं बोलता हूं मत कर। हाँ, मैंने 4 साल पहले ये चीज सोचा था कि नहीं करता हूं, नहीं करता हूं तो क्या होने वाला है, और करता हूं तो क्या होने वाला है, करता हूं तो आप देख रहे हो क्या हो रहा है, नहीं करता तो आज भी हमारे यहाँ पे पार्टनर है पाटिल साहब, ये भी हमारी से थे, मैं भी उसी लाइन से, सर अच्छा लगता था ना, गाली देते थे लोग, मजा आता था, हाँ हमको मजा आता था गाली देते थे लोग, सुबह से शाम तक अपन जड़ बुद्धि वाले, हमको कुछ समझ में नहीं आता, माँ बहन की गाली हम देते थे और खाते थे, ये जिंदगी भर हमारे लोगों का लाइफ था, और अपने बच्चे भी यही करते थे, वो खामखा का माई लाइफ में आ गए तो बच्चा भी आने वाले टाइम में 18 साल बाद करोड़पति बन जाएगा, वो भी सारा टेंशन, करोड़पति बन गया तो उसको फरारी लेना पड़ेगा, लेम्बोर्गिनी लेना पड़ेगा, ये सब टेंशन है ना, लेना अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है ना। आप जितने लोग भी हमारी सोच वाले होंगे लीजिए डिसीजन, और जो नहीं सोच रहे वाले होंगे तो उनके लिए मैं काम बता देता हूँ फ्यूचर में क्या है, अभी मस्त से सैयद सर बोल के गए ना, उसमें थोड़ा सा ऐड करता हूँ। देखो आज बिल्डिंगें बन रही है, बंगले बन रहे हैं, बराबर, वॉचमैन का ड्यूटी ज्यादा आने वाला है। मेरा दोस्त बोला था दिग्विजय तू सक्सेस हो गया ना, तू मर्सिडीज लेगा पक्का, मेरे को ड्राइवर रखना, मैं बोला पक्का डन, तेरे को ड्राइवर रखूंगा। एक ने बोला कि दिग्विजय तू ऑफिस भी लेगा, वो वॉचमैन की ड्यूटी मुझे देना, ये मेरे गांव वाले बोलते हैं, अभी भी आजकल जाता हूं ना तो फेसबुक स्टेटस देख के बोलते हैं। एक तो एकदम एकदम मस्त वाला दिग्विजय तू बड़ा बंगला लेगा ना तो घर की साफ सफाई लगेगी, मैं 3-4 लोगों के साथ साफ सफाई करने आ जाऊंगा, ये जितनी भी नौकरियां बताया हूं इसमें और भी नौकरी ऐड होगी, क्या है कि माई लाइफ जब पैसा देती है ना दिमाग खुलता है, और हम क्या करते हैं कि हम दुनिया भर के लोगों को नौकरी देते हैं। मैं इतना बोलता हूं कि नौकरी देने वाला ही पैसे वाला होता है, नौकरी लेने वाला जिंदगी भर गरीब रहता है। मैं और मेरे पापा जिंदगी में नौकरी किए नहीं, नौकरी दिए,
इसकी वजह से मेरे को सोच देके गए, माय लाइफ को समझने की हिम्मत दी। मैं थैंक्स बोलूंगा मेरे गुरु को, मैंने गुरु बनाया एनटीसी अरविंद सर को, और जहां पे उनको गुरु बनाया वहां से मेरी नैयत शुरू हो गई, और शुरू होने के बाद आज कारवा आप देख रहे हो। ऐसे ही शख्स मेरे बाद जो आने वाले उनको सुन के जाइएगा, सर उन्होंने भी गलती कर ली थी आज के कुछ साल पहले, 12,000 की नौकरी छूट गई, ट्रेन का धक्का छूट गया, और क्या क्या छूटा और क्या क्या चीजें परेशान हो रहे हैं, उनकी परेशानी हमसे ज्यादा है, आज पैसा गिनते गिनते थक जाते। तो थकने के लिए नहीं तैयार हो गए तो मत आना। लेकिन एक चीज मैं जरूर बात करके जाता हूं कि जो ताने आपको आज भी मिल रहे हैं, जो पिछले 10 साल से मिलते हैं, उसका ब्याज समेत ताने सहने के लिए तैयार रहना अगले 10 साल के अंदर। कौन से ताने मालूम है? अभी तो ताने आपके आजू बाजू वाले दे रहे हैं, अभी ताना आपका बच्चा देगा। कौन सा ताना मालूम है? सर पापा पापा वो दिग्विजय सर तो डायमंड बन गए, आप क्यों नहीं बने पापा? आपके पास गाड़ी क्यों नहीं आई? वो देखो उनके पास तो आज मर्सिडीज है, आपके पास कम से कम एक छोटी सी इंडिका तो आ सकती थी। आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, बाहर वालों का ताना सह लेते भाई, अपने लोगों का ताना नहीं सहा जाता है। तो एक ही चीज है, ये इंडिया छोड़ के बाहर चले जाना, नहीं तो माय लाइफ आने वाले 5 साल के अंदर मजबूरी में करके देने के लिए तैयार है। बातें बुरी लग रही होंगी, लेकिन सर ने क्या बोला, कड़वा होता है करेला लेकिन फायदा वही करता है। बातें बुरी करनी होगी, और अगर जो लोग आ गए हैं वो आ गए हैं तो मेरा एक बात नोट करके जाना, अगला 3 साल नो शादी नो बर्थडे नो एनिवर्सरी सब छोड़ दो, 3 साल के बाद आपको VIP गेस्ट के तौर पर शादी के अंदर बुलाया जाएगा। मुझे लगभग लगभग 5 साल हो जाएगा और 40 साल का हो जाऊंगा, 40 साल के बाद और 5 साल बिजनेस करना है। आने वाले टाइम में फ्यूचर यही है, माय लाइफ का फ्यूचर, डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर, कि जिसने भी इस एक्सेलेटर के ऊपर उंगली रख दी, पैर रख दिया, उसका फ्यूचर करोड़पति से कम नहीं होगा। आप डिसाइड करो, आप डिसाइड करो, यहाँ पे सोचने में टाइम व्यतीत करना है कि करने में व्यतीत करना है, आप सोचो। करने वाले वही कर ले जाते हैं जो सोचने वाले सोचते रहते हैं। सोचने से कुछ नहीं मिलता, समुद्र के किनारे खड़े हो सोचते रहो मोती कभी नहीं मिलेगा, उसी के बगल आपके बगल वाला छलांग मारेगा मोती भी लाएगा और आप देखते रहना। तो जाते जाते एक मैसेज देके जाऊंगा, हम सब मिडिल क्लास फैमिली से, सब गरीब है, और सबके बीच में लॉकडाउन में सबकी हालत खराब हुई थी, हमारी भी खराब हुई थी। जिंदगी में बहुत सारे तकलीफ आपने झेले होंगे, केवल 30 सेकंड के लिए आपकी उन तकलीफों को हल्का सा याद करो, और उसके अंदर एक मैसेज आपको देता हूं कि कहते हैं टूट जाता है हर वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, टूट जाता है हर वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है, और जुड़ जाते हैं तमाम वो रिश्ते जब पैसा अपने पास होता है। मेरे शुभकामनाएं आपके साथ है, करते हैं।